कर रही थी। एक लखनऊ की घटना है, अभी अभी की घटना है, मैंने अभी किसी मैगजीन में पढ़ा, बिल्कुल ताजी घटना, सत्य घटना है, भारत की बड़ी अच्छी प्रतिष्ठित मैगजीन में छपी। एक लखनऊ के बड़े अच्छे सज्जन थे, आर्मी में थे, आर्मी में ऑफिसर थे, बहुत अच्छे रैंक में थे, तो बड़ा अच्छा पैसा मिलता था। दो बच्चे थे उनके, दो ही लड़के थे, तो दोनों को बढ़िया खूब पढ़ाया, दोनों की नौकरी लग गई, दोनों विदेश में चले गए और अमेरिका में दोनों रहते थे। माता पिता दोनों लखनऊ में अकेले रहते थे, दोनों लखनऊ में ही घर था। और जब माता ने बहुत बार प्रयास किया कि बेटा आ जाए, बेटा आ जाए, बेटा आ जाए, लेकिन बेटा तो 6 महीने तक यही टालता रहा कि वो अभी नौकरी चल रही है, अभी ड्यूटी चल रही है, अभी समय नहीं है, और बात ही नहीं करता था। 3-3 दिन तो बात ही नहीं हो पाती थी, वो इतनी नौकरी में फंसा था। माता तो बेचारी तड़पते तड़पते परेशान होते होते बीमारी में मर गई। और जब माँ मर गई तो पिताजी ने फोन किया कि बेटा तुम्हारी माँ मर गई है, तो तुम आ जाओ। दोनों लोगों को फोन किया, फिर 2 दिन में वहां से एक बच्चा आया, छोटा बेटा आया। छोटा बेटा जब पहुंचा है तो पिताजी से मिला, जब देखा माता को तो पिताजी ने पूछा, बेटा तुम्हारा भैया नहीं आया? बोले क्या करें, भैया बिजी थे, तो भैया ने हमसे ये कहा है कि अभी जब माताजी मरी हैं तो तुम चले जाओ और जब पिताजी मरेंगे तो हम चले जाएंगे महाराज। पिता भी महाराज आर्मी का ऑफिसर, वो भी भीतर गया, उसने एक लेटर लिखा और अपने अपने दिमाग में, अपने सर में गोली मार ली, वहीं मर गया। और लेटर में लिख करके गया कि बेटा अपने भाई से कहना कि अब उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तुम्हें ही एक लोगों को आने में आपत्ति हो रही है तो वो क्यों आएगा, क्यों परेशान होगा, ये तुम एक साथ ही हम दोनों का संस्कार करके चले जाओ। तो इसलिए महाराज आज पहली जिम्मेदारी है बेटा बेटी को, अपने बच्चों को संस्कारवान भी बनाइए, आप उनको शिक्षित बनाइए, पढ़ाइए, इसमें मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज व्यासपीठ आपसे निवेदन कर रही है, आप उनको कार मत दो। आप सबसे कह रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, बच्चों को कार मत दो, संस्कार दो। कार देने की जरूरत नहीं है, कार तो वो खुद ही खरीद लेंगे, लेकिन संस्कार